चलिए स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं, प्रैक्टिस 6.2 जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है वो कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको लाइन ऑफ विजन, ये कंसेप्ट समझना है। लाइन ऑफ विजन मतलब यहाँ पे देखिए, मैं पी और क्यू देख रहा हूँ और ये इस तरफ से मैंने एरो किया है, ठीक है, मैंने एरो इस तरफ किया है, मतलब एक ऑब्जर्वर है ये किस डायरेक्शन में देख रहा है, ये ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में देख रहा है, पी जो है वो क्यू की तरफ देख रहा है, मतलब पी का विजन किस तरफ जा रहा है, क्यू की तरफ जा रहा है। तो ये जब इस तरह से होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन ऑफ विजन, ठीक है। अब इस पार्ट हो गया लाइन ऑफ विजन। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मैं एक लाइन ऑफ विजन ड्रॉ कर देता हूँ, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ विजन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज मैंने अगेन ड्रॉ कर लिया पी क्यू, पी क्यू एक लाइन ऑफ विजन है। अब पी पहले क्यू की तरफ देख रहा था, मैं ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ आर, ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ आर। अब पी को आर की तरफ देखना है, मतलब अगर उसको ऊपर की तरफ देखना है तो उसको नजर अपनी क्या करनी पड़ेगी, ऊपर की तरफ देखना है, उसको ये एलिवेट करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब P किस तरफ देख रहा है, अब पहले P Q की तरफ देख रहा था, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लाइन ऑफ विजन, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो पार्ट होगा, एक काम करता हूं मैं इसको ऊपर की तरफ लिख देता हूं, मैं किस तरफ बता देता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से होगा। ये P से मैं पहले Q की तरफ देख रहा था, ठीक है, P से Q की तरफ देख रहा था, तो ये लाइन ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं यहां पे मेरे को ऊपर की तरफ देखना है, अब मैं यहां पे ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ये पॉइंट आर की तरफ देख रहा हूँ, पहले मैं पॉइंट क्यू की तरफ देख रहा था, अब मैं पॉइंट आर की तरफ देख रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब मैं पॉइंट क्यू से जब मैं पॉइंट आर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, पूरा एलिवेट हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो नई लाइन फॉर्म हुई है एलिवेट होने के बाद, तो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ है, इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में, जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर की तरफ जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही चीज सेकंड थर्ड पार्ट में है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड कंसेप्ट क्या हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब वही हो गया, फिर से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले पी किसकी तरफ देख रहा है, क्यू की तरफ देख रहा है, इस तरफ मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले पी किसकी तरफ देख रहा है, क्यू की तरफ देख रहे हैं, बात समझ में। अब मैं नीचे एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट आर, आर मैंने कहाँ पे लिया, नीचे की तरफ लिया। तो अब मुझे यहाँ पे अगर पी से लाइन की तरफ आर की तरफ देखना होगा, तो मेरे को इस तरह से कुछ डायरेक्शन फॉर्म होगा। सो जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे इसको एलिवेट करना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ जाना मतलब उसको एलिवेट करना, वही चीज नीचे की तरफ जा रहा है उसको मतलब नीचे की तरफ जाना मतलब नीचे बैंड होना मतलब डिप्रेस होना बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगा। फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो न्यू लाइन फॉर्म हुई है, इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे बात समझ में, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं कोई डायग्राम देख लेता हूँ, ये देखिए मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ, कॉमन डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी एक एंगल, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा, लाइन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब मैं यहाँ पे ये पूरा पार्ट ड्रॉप कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह से रिलेशन फॉर्म होगा। देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक एंगल मैंने ड्रॉ ले लिया, ये एंगल मैंने ले लिया, ठीक है। सो अगर मैं देखूंगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये एंगल क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये नीचे की तरफ आता है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए बात समझ में, ये एंगल नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं, पहले मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा था, अब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंगल जो है, ये एंगल जो है ऊपर की तरफ एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां से लेके ऊपर की तरफ, जब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दोनों जब एक ही डायग्राम में होते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट होता है ये मुझे क्या फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहा है।
जब इस तरह से कंसेप्ट आता है, जब ये एक ही डायग्राम में इस तरह से फॉर्म हो गए, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगी, बिकॉज दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें कहां पे काम होती है, कहां पे काम आ सकती है, जैसे कि आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में हो, आपको देखना है अगर आपको कोई बिल्डिंग की ऊंचाई देखनी है, हाइट कितनी हो सकती है, उसको किस एंगल से बेंड करना है, क्या करना है आपको, मतलब कहां से कितना एलिवेट करना है, कहां से कितना सामान उठाना है, अगर सारी चीजें ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें काम में आएगी कि आपको कितना एंगल डिप्रेस करना है नीचे की तरफ, कितना एंगल एलिवेट करना है, कितना मेजरमेंट, जो एक्यूरेट मेजरमेंट, जो एंगल थीटा है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट किस तरह से लेना है, आपको किस कहां पे काम हो सकता है, वहां पे काम आ सकता है। सो आपके चैप्टर में इसका क्या यूज होगा वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 में देखेंगे। तो आपको सब चीजें कम समझ में आ गई, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया था, आंसर लिखिए, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में, ये पूरी एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डायग्राम ठीक से बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम आ गया मतलब आपको सम आ गया, क्योंकि सब में कुछ नहीं है, स्टेटमेंट्स है और कुछ छोटे कुछ 3-4 स्टेप्स आपको करने हैं जिससे ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो ज्यादा बड़ा सम नहीं है, मेन आपका डायग्राम है। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया मतलब सम समझ में आ गया, तो डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है उस पर एकदम आराम से फोकस कीजिए। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। मैं बोल सकता, देखिए मैं किस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे मैं पोजीशन ऑफ अ पर्सन ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैंने ले लिया पोजीशन ऑफ अ पर्सन और इस पॉइंट को ले लिया मैंने पोजीशन ऑफ अ चर्च, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पर्सन और पोजीशन ऑफ अ चर्च ले लिया। अब यहां से मैंने पी से सी ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च, यहां पे मैं ले लेता हूं पी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च, पर्सन एंड चर्च, लेट पी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च। तो दोनों की पोजीशन समझ में आ गई, ये पॉइंट पी इज द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, पॉइंट सी इज द पोजीशन ऑफ अ चर्च एंड पी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस बिटवीन देम क्या दिया हुआ है, 80 मीटर। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, तो यहां से इनका डिस्टेंस क्या है 80। अब आगे दिया हुआ है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, यहां तक मैंने पढ़ लिया, आगे दिया है फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। एक जो पर्सन है ये चर्च के टॉप की तरफ देख रहा है, टॉप जो होगा इस तरह से हाइट फॉर्म होगा, टॉप मतलब ये हाइट ऑफ द चर्च हो गया, इसका मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ टॉप ऑफ द चर्च, यहाँ पे मैंने लेटर ले लिया टी, ये टॉप ऑफ द चर्च है। ये पर्सन ऊपर की तरफ, ये देखो टॉप तो ऊपर की तरफ ही लेगा, मतलब ये पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो फॉर्म होता है ये थीटा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अरे ये बात समझ में, जब भी कोई पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मुझे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, सो मैं यहाँ पे ये पीसी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द चर्च, पीसी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द चर्च, पीसी हाइट ऑफ द चर्च हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक एंगल फॉर्म हुआ है एंगल सी पी टी, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज एंगल सी पी टी इज इक्वल टू 45 डिग्री और पी सी क्या दिया हुआ है 80 मीटर। यहां तक मुझे इंफॉर्मेशन दी थी, ये मैंने इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, मुझे फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, आप आराम से देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी और क्या फाइंड करना है, ठीक है। मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है, इसको मैं एक्स लिख देता हूं, मुझे जो पार्ट फाइंड करना है उसको मैं एक्स लिख देता हूं, ध्यान से लिख दे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड है और ये वाली पार्ट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है,
और अपोजिट और एडजेसेंट कौन से फॉर्मूला में आता है, टेन थीटा में आता है। अरे बात समझ में, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट और एडजेसेंट, इस एंगल के लिए ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट साइड है, तो अपोजिट और एडजेसेंट एक ही फॉर्मूला में कब इन्वॉल्व होता है, टेन और कॉट में इन्वॉल्व होता है, तो मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लेता हूं। तो मैं यहाँ पे किस तरह से लिखता, देखिए टेन एंगल सीपीटी, एंगल सीपीटी की बात करिए, टेन एंगल सीपीटी, टेन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है टीसी, एडजेसेंट क्या है पीसी। आई बात समझ में, मैंने क्या लिया, टेन एंगल सीपीटी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आराम से ये एंगल सीपीटी कितना दिया है, 45 डिग्री, ये मैंने ले लिया सीपीडी को रिप्लेस करके, मैंने लिख दिया एंगल 45 डिग्री है, टीसी की वैल्यू है x और पीसी की वैल्यू है 80, सारी वैल्यूज मैंने अप्लाई कर दी। 1045 का आंसर क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 1045 इज 1 इज इक्वल टू x अपॉन 80, ठीक है। अब ये 80 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई कर दो, 81 जा 80 हो गया, x का आंसर क्या आ गया, 80 आ गया x का आंसर, मतलब मैं बोल सकता हूं फाइनल आंसर हाइट ऑफ द चर्च इक्वल्स टू 80 मीटर, दैट्स सॉल्व, एज सिंपल एज दैट, क्लियर है, हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया, ये बेसिक स्टेटमेंट्स लिख दिए और ये इतना सॉल्व कर देना, दैट्स इट। सो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया, मतलब अगर आपको डायग्राम ध्यान रखना है, कभी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, क्या क्या फॉर्मुलास लेने वो समझ में आ गए, कौन सा थीटा लेना है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है एकदम बेसिक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार इज शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। क्या क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, शिप है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो यहाँ पे मैं एक लाइट हाउस ड्रॉ कर देता हूं, ये मैं नीचे लिख देता हूं एल, एल मतलब क्या हो गया पोजीशन ऑफ अ लाइट हाउस, टी मतलब टॉप ऑफ द लाइट हाउस, इस तरह से मैंने इनिशियल ले लिए, एल मतलब क्या हो गया पोजीशन ऑफ द लाइट हाउस और टी मतलब हो गया टॉप ऑफ द लाइट हाउस। आगे दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस अब एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री। अब यहां से एक पर्सन है वो शिप की तरफ देख रहा है, ठीक है, एंगल यहां से शिप की तरफ देख रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बना दिया, ठीक है, ये एंगल ऑफ मैंने डिप्रेशन बना दिया और यहाँ पे ये शिप की तरफ देख रहा है, ये पर्सन इस टॉप से इस शिप की तरफ देख रहा है, तो इसको एक्स ले लेता हूं, ये शिप की तरफ देख रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री, तो ये एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से डायग्राम हो गया, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, सो यहाँ पे मुझे क्या बताया कि ये हाइट जो दी हुई है वो है 90 मीटर। क्वेश्चन में बोला है हाउ फार इज शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, हाउ फार इज शिप फ्रॉम द लाइट हाउस से हमारा मतलब क्या होता है, शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है, शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है, ये मुझे फाइंड करना है। डायग्राम तो जिस तरह से बनेगा आपका, ये देखिए ये लाइट हाउस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस हो गया, यहाँ से मैंने एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड किया, अ पर्सन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड एंगल पर्सन यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, क्योंकि वो पर्सन टॉप ऑफ द लाइट हाउस से शिप की तरफ देख रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री। अब यहाँ पे मुझे पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब एक ही डायग्राम में दोनों आते हैं तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन बिकॉज दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये हो गया 60 डिग्री। आगे हम लोग देखेंगे लाइट हाउस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, लाइट हाउस इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जैसे प्रीवियस समय मैंने साइन ली थी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो स्टैंडिंग परपेंडिकुलर, चर्च भी जो होगा वो स्टैंडिंग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, तो ये भी 90 डिग्री हो गया और उस समय वो भी 90 डिग्री हो गया था फर्स्ट समय। और बोला हाउ फार इज शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, तो जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस। अब देखिए इसमें साइन कॉस टेन कॉट कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, मुझे तो साइन कॉस टेन में से तीनों में से एक लेना है, देखिए मेरे पास तीन चीजें इन्वॉल्व है, एक दो तीन,
अब ये एंगल के अकॉर्डिंगली ये वाला पार्ट क्या हो गया अपोजिट और ये वाला पार्ट क्या हो गया एडजेसेंट। मुझे ये तीनों से ही सॉल्व करना है सर, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट, और अपोजिट और एडजेसेंट इसमें आते हैं टेन थीटा के फॉर्मुला में आते हैं। आधी बात समझ में, मतलब इसमें टेन थीटा यूज होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट टीएल क्या ले लिया, टीएल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस। टीएल क्या ले लिया, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। एसएल क्या ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द बेस ऑफ द, ये बेस है और वो टॉप है, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द बेस ऑफ द लाइट हाउस एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज यहां पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इस लेटर को मैं ले लेता हूं, दैट इज मैं कोई भी नाम ले लेता हूं, पी ले लेता हूं इसको मैं नाम, दैट इज एंगल पीटीएस इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने यहां लिख दिया एंगल पीटीएस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे पता है नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इससे मैं बोल सकता हूं एंगल पीटीएस किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल टीएसएल से। देयरफॉर एंगल टीएसएल आल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल टीएसएल इस तरह से बन गया, ठीक है। और मैं आंसर लिख देता हूं, एंगल टीएलएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल टीएलएस 90 डिग्री हो गया, क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि लाइट हाउस क्या होगा, ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल टीएलएस। अब मुझे फाइंड करना है टेन थीटा की हेल्प से करना है, तो मैं लिख लेता हूं टेन एंगल TSL, tan angle TSL is equal to opposite upon adjacent होता है, opposite क्या है TL, इस एंगल के अकॉर्डिंग अपोजिट है TL और adjacent है SL, opposite है TL और adjacent है SL, यहां तक मैंने कर दिया। मैं नेक्स्ट पार्ट यहां से सॉल्व कर देता हूं, एंगल TSL, व्हाट इज एंगल TSL, 60 डिग्री, तो मैं यहां लिख देता हूं tan 60 is equal to TL की वैल्यू क्या है, TL is 90 और नीचे क्या है x है, TL is 90 और नीचे x है, 1060 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो 1060 क्या आ जाएगा, 1060 की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 और ये हो जाएगा 90 अपॉन x, ये 90 अपॉन x हो गया। अब ध्यान से देखिए इसको क्या करना है, x को मैं इस तरफ ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 90 अपॉन रूट 3, x को मैं इस तरफ ले लेता हूं रूट 3 को मैं नीचे ले लेता हूं, ये स्टेप क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा x 90 अपॉन रूट 3। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या मुझे रूट 3 की वैल्यू गिवन है, Yes, मुझे क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है 1.73, लेकिन रूट थ्री की वैल्यू अप्लाई करने से पहले ध्यान से देखना है रूट थ्री की वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हमेशा हमें रेस्टलाइज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन x इज इक्वल टू 90 अपॉन रूट थ्री आ गया, तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेस्टलाइज करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट थ्री, रेस्टलाइज कर दिया तो रेस्टलाइज में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट थ्री, तो एक्स क्या हो जाएगा 90 अपॉन रूट थ्री है, सॉरी ये 90 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री हो गया और अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो गया 3, तो ये 90 रूट थ्री अपॉन 3 आ गया, 3 के टेबल में 90 कब आता है, 3 वन जा 3 थर्टी जा, 3 वन जा 3 थर्टी जा, तो एक्स क्या हो गया, एक्स क्या हो गया 30 रूट थ्री, लेकिन यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है, तो रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है तो मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी रूट थ्री की वैल्यू, तो एक्स क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1.73, 30 मल्टीप्लाई बाय 1.73, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, एक्स इज इक्वल टू 30 रूट थ्री, अब मुझे रूट थ्री की वैल्यू अप्लाई करनी है, दैट इज 1.73, ठीक है। यहाँ पे प्लेस की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं यहाँ पे डायग्राम रख कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डायग्राम रख कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन में x क्या आ गया 30 रूट थ्री, तो x क्या हो जाएगा 30 रूट थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.73, रूट थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में 1.73 दी है, तो आपको फटाफट क्या करना है, पेन और बुक लेके बैठ जाए, इनको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन मुझे पता है, दैट इज 51.9, x क्या मिल गया 51.9 मिल गया। अब ये जो x वाला पार्ट था वो क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस, तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, क्वेश्चन में सब कुछ मीटर में दिया हुआ है,
तो यहां पे लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन द शीप एंड द लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम से इसके लिए फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी है इसका, नहीं तो आपको मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने इसका स्टेटमेंट लिख दिया, जो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो बता दी। फिर मुझे पता है मुझे टेन थीटा लेना है, क्यों? क्योंकि डायग्राम से पता चल रहा है मुझे अपोजिट और एडजेसेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, इसके लिए टेन का फॉर्मुला ले लिया। कॉट से भी आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ साइन कॉस और टेन तीन ही फॉर्मुला एक्सरसाइज में याद रखते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। टेन सिक्सटी इज इक्वल टू दिस, टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने सारी वैल्यू अप्लाई कर दी, रेस्टलाइज द डिनोमिनेटर किया, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं रखना है। उसके बाद आपने पूरा सॉल्व किया, फिर आपने फाइनल आंसर लिख दिया। रूट थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी तो ही 1.73 पुट करनी है, अगर क्वेश्चन में नहीं दी होगी तो उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए अच्छे से। चलिए सर, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम किधर पढ़ते हैं? चलिए थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। फिर से डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ अ विड ऑफ 12 मीटर। ठीक है, विड मतलब क्या हो गया, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये फर्स्ट बिल्डिंग होगा बिल्डिंग वन और ये होगा बिल्डिंग टू। बिल्डिंग वन और बिल्डिंग टू को इसको मैं पी ले लेता हूं, इसको क्यू ले लेता हूं। बिल्डिंग वन की पोजीशन को पी और बिल्डिंग टू की पोजीशन को क्यू ले लिया, और इनका विड मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, इसको लगभग मैं इसका ये इस तरह से इसकी हाइट ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड, मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, समझ में आ रहे बात? फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट, दोनों के टॉप को कनेक्ट कर दिया, तो यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या दिया है, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूं। टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग क्या है पी, सेकेंड बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे मैंने इनकी पोजिशन ली पी और क्यू, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इच अदर, क्योंकि इन दोनों का विड है 12 मीटर। आगे दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप तक, मुझे यहाँ पे मुझे एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ही एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब मैंने क्या कर दिया, मैं इसको आर ले लेता हूँ, पी क्यू सॉरी इस पार्ट को आर ले लेता हूँ, इस पार्ट को एस ले लेता हूँ, इस पार्ट को टी ले लेता हूँ, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे पोजिशन दे दी है, ये पॉइंट पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर इस पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब आराम से स्टार्ट करते हैं। पी और टी क्या है, लेट पी टी इज इक्वल टू, ये पी और टी क्या दिया हुआ है, फर्स्ट बिल्डिंग है, पी टी इज इक्वल टू बिल्डिंग वन और बिल्डिंग टू है, तो लेट पी टी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मैं इस तरह से लिख देता हूं, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। पी से टी क्या हो गया, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। फिर Q से जो R वाला पार्ट है, Q से S वाला पार्ट है, QS इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है, स्टेटमेंट यहां से देखिए, P से लेके T है वो हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, Q से लेके S है वो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगी क्योंकि दोनों बिल्डिंग ग्राउंड पे इरेक्टेड होगी। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ बोथ द बिल्डिंग्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री बन गया। ठीक है,
अब एंगल ऑफ एलिवेशन को फॉर्म करने के लिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये फॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म करना पड़ा होगा, तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यहां तक सब क्लियर है। लेंथ ऑफ टीपी के दिया हुआ है 10 मीटर, लेंथ ऑफ टीपी के दिया हुआ है 10 मीटर, पी क्यू यहां पे लिखना बाकी है, मैं पी क्यू लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, पी क्यू क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। सारे स्टेटमेंट आराम से देखिए, पीटी हो गया हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, क्यूएस हो गया हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, पी क्यू क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ऑल्सो टी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यूएस मैंने फॉर्म कर लिया है, टीपी इज इक्वल टू 10 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और पी क्यू इज इक्वल टू 12 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से ध्यान से देखिए आगे, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे मुझे मेजरमेंट दिया हुआ है, थर्ड सम में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, थर्ड सम में क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज एंगल एस टी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मुझे दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए इस कोऑर्डिनेट को, ध्यान से देखिए इस कोऑर्डिनेटर में ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है और थर्ड भी एक राइट एंगल है, मैंने परपेंडिकुलर फॉर्म किया, तो फोर्थ एंगल रिमेनिंग एंगल भी क्या होगा राइट एंगल होगा। अब ये चारों एंगल राइट एंगल हो गए तो या तो ये कोऑर्डिनेटर स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड है वो डिफरेंट है, अगर स्क्वायर होता तो ऑल साइड इक्वल होता, लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड डिफरेंट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कोऑर्डिनेटर जो फॉर्म हो गया वो क्या हो गया रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल्सो कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर टी पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल, ऑल्सो कोऑर्डिनेटर टी पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। ये नेमिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं, नेमिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको क्या लिखना है वो ध्यान रखना है, नेमिंग तो कोई भी ले सकते हैं। सो ऑल्सो कोऑर्डिनेटर टी पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल, अगर टी पी क्यू आर रेक्टेंगल है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो टी पी इज इक्वल टू टी पी किससे इक्वल हो जाएगा क्यू आर से 10 मीटर, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो टी पी इज इक्वल टू क्यू आर क्या हो गया 10 मीटर, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल, और पी क्यू इज इक्वल टू पी आर क्या हो जाएगा 12 मीटर, मैं लिख सकता हूं ऑल्सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज असाइन कर दी, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट्स भी लिख दिए, मैंने मैं वापस ये पार्ट समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए क्योंकि ये पार्ट मैं अभी अब करने वाला हूँ। लेट पीटी इज इक्वल टू, लेट पीटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, लेट क्यूएस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, पी क्यू क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यहां से फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म हुआ इज फॉर्म टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करने के लिए एक तो ये जो स्लांट लाइन है उसके साथ साथ एक वर्टिकल लाइन भी जरूरी है, सॉरी एक स्लांट लाइन उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी जरूरी है, तो मैंने पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, मतलब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म किया जिससे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्लांट लाइन मिल गया और इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया दैट इज 60 डिग्री। इसके बाद हमने क्या किया, ये 10 मीटर क्वेश्चन में दिया था और ये 12 मीटर क्वेश्चन में दिया था। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों एंगल राइट एंगल है तो फोर्थ एंगल भी राइट एंगल होगा, मतलब ये क्वाड्रेंट या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड्स डिफरेंट है, एडजेसेंट साइड्स किस में डिफरेंट होती है रेक्टेंगल में, तो इसके लिए क्वाड्रेंट क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, मैंने इस क्वाड्रेंट को रेक्टेंगल लिख दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री लिख दिया, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये 12 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गया और ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्लियरली मेंशन है फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट तो 10 मीटर है, सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है क्यूएस है, क्यूएस मतलब ये पूरा पार्ट हो गया, इसमें से ये वाला पार्ट मुझे पता है 10 है, इस वाले पार्ट को क्या ले लेता हूं मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं, इस वाले पार्ट को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं, तो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा क्यूएस, क्यूएस मतलब क्या होगा 10 प्लस एक्स, तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखिए ध्यान से इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर दूंगा,
समझ में आ रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं x की वैल्यू फाइंड कर दूंगा और उसके बाद x की वैल्यू को 10 से ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मिल जाएगा। अब ये किस तरह से फाइंड करना है, देखिए इस एंगल के लिए ये मुझे फाइंड करना है और ये मुझे दिया हुआ है, मुझे इसकी जरूरत है। तो इस एंगल के लिए ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है, और अपोजिट और एडजेसेंट का मतलब कंपलसरी आपको tan थीटा यूज करना है। सो tan एंगल str, tan एंगल str इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है sr और एडजेसेंट है tr, ये मैंने लिख दिया। tan एंगल str इज इक्वल टू sr अपॉन tr, एंगल str कितना है 60 डिग्री है और sr की वैल्यू है x है और tr की वैल्यू है 12। यहां तक समझ में आ गया, tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन tan, tan 60 की वैल्यू क्या है रूट थ्री, tan 60 इज रूट थ्री इज इक्वल टू x अपॉन 12, tan 60 क्या है रूट थ्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 60 रूट थ्री और ये x अपॉन 12, तो ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 12 रूट थ्री, x क्या मिल गया मेरे को 12 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री इज 12 रूट थ्री। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए रूट थ्री की वैल्यू दी है कि नहीं दी है, थर्ड क्वेश्चन में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन में रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी है, मतलब मुझे इसको इस तरह से ही रखना होगा। सो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मतलब QH है, तो QH क्या हो जाएगा, QH इज इक्वल टू क्या होगा QR प्लस RS, QR प्लस RS, QH क्या हो जाएगा QR प्लस RS, QR क्या है 10 है, RS क्या है, RS मतलब X, X की वैल्यू क्या मिली 12 रूट थ्री मिली, 12 रूट थ्री हो गई, यहां पे मतलब मैं बोल सकता हूं 12, इसको मैं ऐड करना पॉसिबल नहीं क्योंकि रूट थ्री और रूट थ्री उधर ऐड होता है, इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है, बाहर लिख देता हूँ मीटर, मैं फाइनल आंसर क्या लिख देता हूँ हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 10 प्लस 12 रूट थ्री, यहाँ पे ब्रैकेट और बाहर मीटर, दैट्स इट। अरे ये बात समझ में, यहाँ पे मीटिंग मीटर दिया था क्वेश्चन में, इसके लिए मैंने हाइट भी मीटर में लिखी है। थर्ड सम कंप्लीट, आराम से देख लीजिए आप लोग, एकदम सिंपल सम है, एकदम बेसिक है, आपको डायग्राम समझ में आ गया मतलब आपको सम समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, पोल वन और पोल टू, एक की हाइट है 18 मीटर एक की हाइट है 7 मीटर, तो यहां पे मैं ये पूरा क्या हो जाएगा 18 मीटर और ये वाला सेकंड पोल है 18 मीटर एंड 7 मीटर, इसकी हाइट और इसकी हाइट मैंने ले ली 18 मीटर और 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप, लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप मतलब इनके टॉप को टाई कर, एक वायर है जो इनके टॉप को कनेक्ट कर रही है, फास्टेंड एट द टॉप मतलब मैंने एक वायर ली जो इनके टॉप को जो कनेक्ट कर रही है, एक वायर इनके टॉप को कनेक्ट कर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देखिए प्रीवियस सम भी मैंने बताया था मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करनी है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल, इस तरह से डायग्राम बनेगा, प्रीवियस डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना जरूरी है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ, सॉरी क्वेश्चन में आगे दिया है फास्टेंड एट टॉप, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप इज 22 मीटर, सॉरी मैंने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, ये 60 डिग्री नहीं दिया हुआ है, मैंने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, ठीक है मैं फिर से रीड कर देता हूँ, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, एक पोल है इसकी हाइट है 7 मीटर, द
दूसरा पोल है उसकी हाइट है 18 मीटर एंड दे बोथ आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है बोथ आर स्टैंडिंग परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड। इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है बोथ आर स्टैंडिंग परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप इज 22 मीटर। ये जो वायर का लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर क्या है 22 मीटर। आगे दिया हुआ है फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द एंगल, ये जो एंगल फॉर्म हुआ इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर फॉर्म करूंगा, ठीक है। नेमिंग मैं दे देता हूँ अपने हिसाब से, मैंने पिछले समय दिया था वही ले दो, पी क्यू आर एस टी। क्यों नेमिंग सेम ली, क्योंकि फिर स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। मैंने पी क्यू आर एस टी नेमिंग ले लिया। अब सबसे पहले क्या लिख देता हूँ, लेट। सबसे पहले पीटी क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। पीटी हो गया हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। क्यूएस क्या हो गया, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। पीटी और क्यूएस ले लिया, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। पीक्यू क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। पीक्यू हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ठीक है। अब यहां पे ये दो एंगल 90 डिग्री है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो इसके लिए मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखा। मैंने एडिशनल स्टेटमेंट क्या किया, ऑल्सो पीआर इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी पीआर नहीं, TR is perpendicular to QS. Also, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, draw TR perpendicular to QS. मैंने TR perpendicular draw किया QS से, ठीक है। अब यहाँ पे और मुझे वैल्यू क्या क्या दी हुई है, TP is equal to 7 meter and QS is equal to 18 meter, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक चीज लिख दी है, TS जो draw किया है मैंने, वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वायर। TS क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वायर। TS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। मैं ये पूरा हटा देता हूँ, थोड़ा नीट एंड थोड़ा स्पेस रख देता हूँ इनके बीच में। TS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ड्रॉ TR परपेंडिकुलर टू QS लिख देता हूँ, और ये दोनों 90 डिग्री पे है क्योंकि बोथ आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, तो परपेंडिकुलर हो गया वो। अब इसके बाद मुझे TP दिया हुआ है 7 मीटर और QS दिया हुआ है 18 मीटर, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस समय भी समझा था, ये समय भी समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तीन राइट एंगल है, तो जो फोर्थ एंगल फॉर्म हुआ वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा, फोर्थ एंगल भी राइट एंगल हो जाएगा, तो चारों एंगल राइट एंगल है, तो राइट एंगल हो गए, तो ये पहले क्या होता है रेक्टेंगल, और इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो ही ये स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल, अब इनकी लेंथ से पता चल रहा है कि इनके एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होंगे, तो मैं इसको रेक्टेंगल अज्यूम करके मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, देयरफोर हॉरिजॉन्टल टी पी क्यू आर इज अ, टी पी क्यू आर क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। यहां तक एकदम क्लियर है, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। देयरफोर टी पी किससे इक्वल हो जाएगा, टी पी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 7 मीटर। टी पी और क्यू आर आपस में इक्वल हो गए 7 मीटर। अब ध्यान से देखिए, क्यू से लेके एस है वो किससे फॉर्म हो रहा है, क्यूएस क्या है, क्यू आर प्लस आर एस। क्यू से लेके एस है वो किससे फॉर्म हो रहा है, क्यू आर प्लस आर एस, मैंने लिख दिया। क्यूएस की जो वैल्यू है, क्यूएस की वैल्यू कितनी है 18। क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर क्या मिला देखिए स्टेटमेंट में, क्यू आर क्या मिला 7 प्लस आर एस, ये 18 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू आर एस, तो आर एस क्या हो जाएगा, RS is equal to 11 meter. RS मैंने find कर दिया 11 meter, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तीन वैल्यू मेरे को दी गई, एक theta है, एक ये वैल्यू दी है और एक ये वैल्यू दी है, तीन चीजें दी हुई। इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट क्या है, मेरा अपोजिट वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, मेरा हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट है। जबकि ये भी राइट एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये इसका लीनियर पार्ट, ये भी राइट एंगल हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, और ये 90 के सामने वाला है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में इन्वॉल्व होते हैं, साइन थीटा में इन्वॉल्व होते हैं। मैं यहां पे लिख दूंगा साइन एंगल, साइन एंगल एस टी आर
साइन एंगल एस टी आर इज इक्वल टू 11 यानी इक्वल टू एस आर अपॉन टी एस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एस आर अपॉन टी एस। एंगल मुझे नहीं पता, एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा, और एंगल को मैंने थीटा ले लिया। एस आर की वैल्यू है 11 अपॉन 22, 11 इसकी वैल्यू 11, इसकी वैल्यू 22, 11 अपॉन 22 क्या होता है, हाफ होता है। 11 अपॉन 22 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 11 वनजा 11 टूजा। इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया, हाफ हो गया, साइन थीटा हाफ हो गया। मतलब साइन में किसकी वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 हाफ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हैं, साइन में 30 की वैल्यू हाफ होती है, देख सकता हूं, बट साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। साइन थीटा भी हाफ है, साइन 30 भी हाफ है। ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को कंपेयर करो, आरएचएस इक्वल होगा तो एलएचएस भी इक्वल होगा, तो एलएचएस में साइन और साइन वाला पार्ट सेम है, मतलब थीटा किसको रिप्लेस कर देगा 30 डिग्री, कैसे बोल सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स ऑल। थीटा 30 डिग्री मिल गया, मतलब मुझे वो एंगल जो फॉर्म हो रहा था, इनके बीच का जो एंगल फॉर्म करना था वो मुझे एंगल मिल गया, दैट इज 30 डिग्री। समझ में आया कैसे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया 11 अपॉन 22, दैट इज हाफ। साइन थीटा में साइन थीटा का आंसर आ गया हाफ, लेकिन साइन में किसका आंसर हाफ आता है, साइन 30 का, बट साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, तो साइन थीटा भी हाफ है, साइन 30 भी हाफ है, तो आरएचएस इक्वल होगा तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा। एलएचएस में साइन और साइन वाला पार्ट कॉमन था, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिर्फ आपको दो स्टेटमेंट को कंपेयर करना है, इससे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये फोर्थ सम भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ और सिक्स दो सम बचे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे देखिए क्या है डायग्राम में क्या समझाना चाह रहे हो, देखते हैं। एक हाइट, ये हाइट ऑफ द ट्री है, ये टॉप ऑफ द ट्री है और ये बेस ऑफ द ट्री है, ठीक है, ये हाइट ऑफ द ट्री है और ये टॉप ऑफ द ट्री और ये बेस ऑफ द ट्री है। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, लेट्स से इसको बीच में से एक स्टॉर्म आया, उसने इस ट्री को या ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो इसका जो ये टॉप वाला पार्ट है ना, इसका ये टॉप वाला पार्ट ट्री टॉप है, ये यहां से जहां से ब्रेक हुआ ना उतना पार्ट ग्राउंड पे आके रेस्ट करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ये इस तरह से हो गया, ये जो पार्ट था, ये जो स्टैंडिंग पार्ट, ये देखिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ये जो पार्ट है ये टॉप ऑफ द ट्री दिया हुआ है, ये टॉप ऑफ द ट्री है, ये पहले स्टैंडिंग पोजीशन ये प्रॉपरली परपेंडिकुलर था, लेकिन एक स्टॉर्म आता है और वो इसको इस ट्री को कहीं से बीच में से ब्रेक कर देता है, कोई भी जगह से ब्रेक कर देता है, तो जो ब्रेक होगा, जो पार्ट ब्रेक हो गया ना, वो पार्ट यहाँ पे ग्राउंड पे लाई करेगा, यहाँ पे ये बैंड हो जाएगा, ब्रेक होगा, जैसे ये ब्रेक होगा, क्या बोलते हैं, ब्रेक होगा, ये क्या हो जाएगा, बैंड डाउन हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या हो गया, बेस ऑफ द ट्री से इतनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो ट्री टॉप है ये यहाँ से बेस से इतने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर से समझिए क्वेश्चन, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये जो ट्री टॉप है, ये ट्री टॉप नीचे आ जाएगा, अब ये बेस से कितनी डिस्टेंस पे, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब समझ में आया, आगे देखते हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, सबको दिख रहा है एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ट्री स्टैंडिंग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो एक ही एंगल जो बचेगा एंगल ऑफ एलिवेशन देगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मुझे होल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, होल हाइट ऑफ द ट्री। देखिए पहले मैं नेमिंग कर देता हूं, मैंने ये पार्ट टॉप, ये ए, ये बी, ये सी ले लेता हूं, ठीक है। मुझे पूछा फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, होल हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या होगा, दिस प्लस दिस पार्ट, ठीक है,
ये एक्स ले लेता हूं, ये वाई ले लेता हूं, अगर ये वाई होगा तो ये पार्ट भी वाई होगा। क्यों, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये पार्ट भी बेंड होके यहाँ पे आया ना, मतलब इसका जो लेंथ होगा और इसका लेंथ होगा सेम होगा, क्योंकि इतना पार्ट ही यहाँ पे आके बेंड हुआ है। तो इसका जो लेंथ होगा इसका भी लेंथ सेम होगा, तो ये भी वाई हो जाएगा। इस तरह से कुछ डायग्राम हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। अब किस तरह से सम सॉल्व करना है, देखिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख देते, लेट, सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, AT इज इक्वल टू होल हाइट, AT इज इक्वल टू होल हाइट ऑफ द ट्री, AD इज इक्वल टू होल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये भी क्या हो गया, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। AB को मैं बोल सकता हूं अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, दैट इज x है। और AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, जो ऊपर से यहां पे लाई हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है AD और AC आपस में इक्वल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेमिंग्स दे दी है। और ये वाला पार्ट बचा BC, BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द ट्री टॉप। बी क्या है, बेस ऑफ द ट्री, और बी से सी का डिस्टेंस, सी क्या है, ट्री टॉप है, तो डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री, बेस ऑफ द ट्री एंड द एंड इट्स टॉप, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द एंड इट्स टॉप, इट्स लाइक दिस एंड इट्स टॉप, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल एबीसी, एबीसी 90 डिग्री होगा। क्यों एंगल एबीसी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्री स्टैंडिंग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। और मुझे एंगल एसीबी कितना दिया है, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो गया, दैट इज एसीबी 60 डिग्री है। और बीसी का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, बीसी का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। देखिए ये सारे स्टेटमेंट अच्छे से देख लीजिए, ये होल हाइट ऑफ द ट्री है, ये अनब्रोकन पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड इट्स टॉप है। एंगल एबीसी 90 डिग्री है, एंगल एसीबी 60 डिग्री है, बीसी 12 मीटर। मुझे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण मैं ये पूरा पार्ट रब कर देता हूँ, ये आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि अभी मैं सम सॉल्व करूंगा जिसमें ये पार्ट कहीं यूज में आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ और यहाँ से सम में कंटिन्यू करता हूँ। देखिए ध्यान से, इस एंगल के लिए मेरे पास ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू नहीं पता और ये वैल्यू पता है, तो ठीक है ध्यान से देखिए। इस एंगल के लिए ये अपोजिट पार्ट है और ये एडजेसेंट पार्ट है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, और अपोजिट और एडजेसेंट किस पे काम आता है, टेन थीटा में आता है यूज। तो टेन एंगल, एंगल कौन सा बना, एंगल एसीबी, टेन एंगल एसीबी इज इक्वल टू अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट में क्या है एबी, और एडजेसेंट में क्या है बीसी, ठीक है। सो टेन एंगल एसीबी, एंगल एसीबी क्या है टेन 60, एबी की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स, और बीसी की वैल्यू 20, टेन 60 की वैल्यू क्या है रूट थ्री, और ये x अपॉन 20 है, 20 यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 20 रूट थ्री, 20 मल्टीप्लाई का रूट थ्री क्या हो जाएगा, x क्या मिल जाएगा 20, ठीक है। मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट थ्री की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि रूट थ्री की वैल्यू 1.73 ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो मैं रूट 10 20 रूट थ्री को ऐसे ही सर, ठीक है। अब मुझे y फाइंड करना है, y किस तरह से फाइंड करके, अब वही 20 को लेके ही y फाइंड करना है, मैं x की वैल्यू लेके कभी भी y फाइंड करने नहीं जाऊंगा, मैं वही 60 y और 20 इसी को लेके बेस से स्टार्ट करूंगा। तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस है और ये वाला पार्ट क्या है एडजेसेंट है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट है और ये वाला पार्ट हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस इसमें आएगा cos थीटा में, cos एंगल ACB इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC, ठीक है। अब एंगल मुझे पता है, ये एंगल है 60 डिग्री, cos 60, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 20,
और एसी की वैल्यू को ले लेता हूं मैं वाई, एसी की वैल्यू वाई। cos 60 का आंसर क्या होता है? हाफ। cos 60 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखोगे cos 60 क्या होता है? हाफ। और ये हो गया 20 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू वन क्या हो गया y, 22 जा क्या हो गया 40, y इज इक्वल टू 40। तो मैं बोल सकता हूं जो होल हाइट ऑफ द ट्री है, होल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ए बी प्लस ए टी एक्स प्लस वाई है। यहां पर मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए टी विच इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स का आंसर क्या आया 20√3 प्लस वाई का आंसर क्या आया 40। क्या मतलब हो गया? अब मीटर सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है लेट्स से यहाँ पे 20 मीटर दिया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 मीटर। लेट्स सॉल्व। इसी तरीके से करना, देखिए कितना सिंपल था सोल्यूशन। सिर्फ आपको थोड़े स्टेटमेंट किस तरह से याद रखना है वो ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है और फिर इसके सोल्यूशन को कब कौन सा फॉर्मूला आप लेना है, कब साइन लेना है, कब कॉस कॉस लेना है, कब टैन लेना है, जब अपोजिट और इस एंगल के अकॉर्डिंग जो थीटा दिया उसके अकॉर्डिंगली आपको अगर अपोजिट और हाइपोटेन्यूज दिया होगा तो साइन थीटा लेंगे, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज दिया होगा तो कॉस थीटा, और अपोजिट और एडजेसेंट के बारे में कुछ दिया होगा तो टैन थीटा। सो इतना सिंपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड सरफेस ले लेते हैं, ये ग्राउंड सरफेस ले लेते हैं, यहां से काइट कहां पे, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये काइट ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर की हाइट पे है काइट, ठीक है। आगे दिया हुआ है, मैं यहां से ये इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेता हूं, तो ग्राउंड से काइट की हाइट कितनी है 60 मीटर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, इसके साथ ये जो स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग मतलब आप बोल सकते हैं मांजा जो अटैच है, ये क्या है, ग्राउंड से टाई है, मैं इस तरह से इसको ग्राउंड से टाई कर देता हूं, ये ग्राउंड से टाई है, ठीक है। अ स्ट्रिंग इज अटैच टू द ग्राउंड, तो यहां से ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, मांजा हो गया जो ग्राउंड से टाई है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये जो स्ट्रिंग है, इट मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, स्ट्रिंग इज स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे भी कोई नॉट नहीं है, मतलब इस मांजे में कहीं पे भी बीच में कोई गांठ नहीं है, यहां से लेके यह वाला पार्ट एकदम स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे गांठ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इनके बीच में कहीं पे कोई गांठ होगी नहीं, ये स्ट्रिंग है कंप्लीटली स्ट्रेट है, इसके बीच में कोई नॉट नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक का वैल्यू फाइंड करना है, मैं ले लेता हूं ए बी सी, मैंने नेमिंग दे दिया, ये यहां से परपेंडिकुलर पार्ट हो जाएगा, ये यहां से स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले लिया तो ये परपेंडिकुलर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारी नेमिंग ले ली, देखो डायग्राम किस तरह से फॉर्म करना है आपको समझ में आ गया, मैंने सारी वैल्यूज ले ली है, मुझे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ, और रूट थ्री की वैल्यू भी दी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब एसी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले क्या लिख देता हूं मैं, मुझे जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, लेट ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन the ground and the ground and the distance between the ground and the kite, ठीक है ना, ए बी क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द काइट, ए सी क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लिख देगा इसको ए सी क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और बी सी अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सर्विस दे दूं ये क्या हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो अगर मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि मुझे यहां से यहां तक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो गया पूरा ग्राउंड सर्विस है, बीसी क्या हो जाएगा पूरा ग्राउंड सर्विस है, तो मैं लिखू कि नहीं लिखू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एंगल
एसीबी, सॉरी एंगल एबी, एसीबी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल एसीबी 60 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड एंगल एबीसी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी मैंने बता दिया। और एबी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एबी की वैल्यू दी हुई है 60 मीटर। मैंने सारे स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिए, प्रॉपर लिख दिया, मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये वाला पार्ट फाइंड करना है, जिस पार्ट को फाइंड करना है उसको मैं एक्स ले लेता हूं, मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एसी, उसको मैंने ले लिया एक्स। तीन इंफॉर्मेशन कौन सी है, एक एंगल है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। अब ध्यान से देखिए क्या है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये इसका अपोजिट साइड है और ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोटेनस। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये अपोजिट है और ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोटेनस। तो अपोजिट और हाइपोटेनस इसमें आएगा, साइन थीटा में आएगा, इस तरफ सॉल्व कर देता हूं। साइन एंगल ए सी बी, साइन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी ले लिया, याद रख समझा। अब ए सी बी साइन 60 हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी है 60, ए सी की वैल्यू कितनी है x है, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, रूट थ्री अपॉन टू, साइन 60 होता है रूट थ्री अपॉन टू, ये हो गया 60 अपॉन x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं x को इस तरफ ले लेता हूं, x को मैं इस तरफ ले लेता हूं और रूट थ्री अपॉन टू उस तरफ चला जाएगा, रूट थ्री अपॉन टू उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, कोई भी वैल्यू कोई भी रेशियो उस तरफ चला जाता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम रूट करते हैं हम लोग, जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम रूट करते हैं, ठीक है। तो याद लग, ये स्टेटमेंट वाला पार्ट में रख कर देता हूं क्योंकि वहां पे फिर कंप्लीट नहीं होगा सम अपनी स्पेस में, ठीक है। स्टेटमेंट वाला पार्ट मैंने हटा दिया, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया और डिनोमिनेटर में रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 क्या होगा 3, डिनोमिनेटर में रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 क्या होगा 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो x क्या हो जाएगा 22 जा 40 और ये रूट 3 एज इट इज। x इज इक्वल टू क्या हो गया, अब देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो गया 40 रूट 3, x की वैल्यू मिल गई 40 रूट 3, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है रूट 3 की वैल्यू इज 1.73, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1.73, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 3 जा 12 1 अप, 4 7 जा 28 प्लस 9 2 अप 69.2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 69.2 मीटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 69.2 आ गया, x इज इक्वल टू आ गया फाइनल आंसर 69.2, तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 69.2 मीटर, एस खत्म। बहुत आसान सम था, पहले मैंने सारे स्टेटमेंट्स लिख दिए, फिर मैंने देखा कि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है, तो मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था, मैंने उसको रेस्टलेस कर दिया, रेस्टलेस सॉल्व करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिली 40 रूट 3, क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू दी थी 1.73, मैंने वैल्यू अप्लाई कर दी, मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर आ गया, x मिल गया, x मिल गया मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल गई, दैट इज 69.2 मीटर, सॉल्व। देख सकते हैं आप लोग,